Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West, I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. Send my best friend an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you... Good morning friends, welcome back to our channel Goa America. आज आए हम अटलांटिक सिटी. जी हाँ, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी, ये एक कोस्टल सिटी है. इसको रिजॉर्ट सिटी भी बोला जाता है. ये एक कैसीनो सिटी भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैसीनोज है. और हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैसीनोज है, इसको मिनी वेगास या लास वेगास ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है. तो हम आपको आज घुमाने आए हैं यहाँ का एक फेमस बोर्ड वॉक. तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस जगह को बोलते हैं बोर्ड वॉक. और ये हमारे बाजू है रिप्लीज बिलीव इट और नॉट का म्यूजियम. तो फिलहाल ये जो बोर्ड वॉक है लाइक अराउंड 4 माइल का है. यहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं. यहाँ पे शॉपिंग सेंटर से एक साइड में और एक साइड में पूरा समंदर है और बीच है. तो लोग यहाँ पे आते हैं. अभी तो फिलहाल ठंड का मौसम है तो ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, बट जब आप समर पे आओगे ये बहुत भरा रहता है. यहाँ पे अगर आप पूरा 4 माइल वॉक करना चाहते हो तो वॉक कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा जेटी जैसा मिलेगा जिस पे आप पैसे दे के आप राइड कर सकते हो. तो फिलहाल हम अभी आगे चलते हैं. यहाँ पे एक स्टील पियर है, उसको देखेंगे, फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के फेमस कैसीनोस. पीछे व्हीकल देख रहे हैं आप, ऐसे व्हीकल में आप यहाँ पे घूम सकते हो. वो चार्ज लेते हैं इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ छोड़ने के लिए. बट हाँ, ये 4 माइल का जो बोर्ड वॉक है आप उस पर भी जा सकते हो. जैसे मैंने बोला जेटी, तो वो यही है. तो अभी हम ये बोर्डवॉक पे वॉक कर रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा एक मेमोरियल बनाया गया है. ये है 9/11 मेमोरियल, उन लोगों की याद में जिन्होंने 9/11 डिजास्टर में अपनी जान गंवाई थी. ये देखिए, और उन सब फायर फाइटरों के याद में भी बनाया गया था. ये कितना सुंदर सा यहाँ पे उनका एक स्टैचू बनाया गया है. यहाँ पे मेमोरियल में उनको ट्रिब्यूट किया गया है. ये जो आप स्टील बीम देख रहे हैं, ये एक्चुअल ग्राउंड जीरो जब 9/11 हुआ था, जब जो गिरा था टूट के, उस मलबे का एक टुकड़ा है यहाँ पे एज ए ट्रिब्यूट यहाँ पे और याद में रखा गया है. हम तो आए थे अटलांटिक सिटी सोच के अच्छा रहेगा, ठंड रहेगा बट अच्छा रहेगा, बट यहाँ पे आज बारिश आ रही है. ये देखिए पीछे पूरा बारिश. आप वो हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी जो मैंने दिखाया एक जायंट व्हील, उसको बोलते हैं स्टील पियर या स्टील पायर यहाँ पे. और वो एक जायंट व्हील है जिस पे आप राइड जा सकते हो. फिलहाल अभी ये ठंड का मौसम है, वो बंद है, बट वो राइड बहुत ब्यूटीफुल रहता है. और उसके बाजू में पूरा अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन के नाम पे ही इसका नाम अटलांटिक सिटी रखा गया है. तो आप पूरा ओशन का व्यू ले सकते हो. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West, I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, right here, chilling with my friends for another year. I would walk away
तो फ्रेंड्स अभी रेन चले गया है तो फिर भी मौसम ठंडा है, अच्छा लग रहा है। ये है पीछे हार्ड रॉक कैफ़े। आप ये देखिए, हम कल रात जब हार्ड रॉक कैफ़े में गए थे तो उसका क्लिप शूट किया था, आप वो एंजॉय कीजिए। तब तक हम फिर यहीं पे ब्रॉडवॉक में आपसे फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जब आप इस बोल्ड वॉक पे आते हो तो ये देखिए पीछे, ये हार्ड रॉक कैसीनो के बाहर ही है। हार्ड रॉक कैसीनो वालों ने एक ब्यूटीफुल सा विंग पेंटिंग बनाया हुआ है, यहाँ पे आके आप फोटो खींच सकते हैं। हमने बहुत सारे फोटो खींचे हैं, मैं एक फोटो यहाँ पे डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल फोटो आए हुए हैं। अगर आपके साथ कोई नहीं है फोटो खींचने वाला तो आप यहाँ पे किसी को भी पूछ सकते हो, वो खुशी खुशी आपका फोटो निकाल देंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे स्टील पायर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये ब्रॉड वॉक पे ही आता है अगर जब आप यहाँ पे आते हो। फिलहाल अभी तो ये बंद है, समर में खुल जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे आते हो समर में तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हो। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस मिल जाएगी, और पेड पार्किंग है जो लाइक 8 आवर्स को $5 देते हैं। अगर आपको पेड पार्किंग नहीं करना है तो आप किसी भी कैसीनो के पार्किंग में पार्क कर सकते हो जहाँ पे फ्री पार्किंग हो। जी हाँ, बहुत सारे कैसीनो में फ्री पार्किंग रहता है, जैसे कि हार्ड रॉक कैफ़े में है। आप हार्ड रॉक कैफ़े में अपना आप व्हीकल पार्क कर सकते हो फ्री में, और अंदर से इधर बाहर आ सकते हो, इस तरफ आगे से इस तरफ पीछे ब्रॉडवॉक पे आप पूरा घूम सकते हो।
और फिर जाके थोड़ा कैसीनो का मजा लेके वापस अपनी कार लेके जा सकते हो। Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West, I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here. तो मैं और पल्लवी अभी बीच पे वॉक कर रहे हैं। बहुत ठंडा हवा चल रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। और ये आप हमारे पीछे बहुत अच्छा व्यू देख सकते हो, ये पियर है। और इस तरफ हम घूमेंगे तो ये कितना ब्यूटीफुल अटलांटिक ओशन है। और आप पीछे देख सकते हैं सब कैसीनोज यहीं पे बीच पे। आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको हार्ड रॉक कैसीनो और होटल दिखेगा। उसके ठीक बाजू में पीछे आपको ओशन दिखेगा। यहाँ पे इस अटलांटिक सिटी में ये जो दो कैसीनोज है, हार्ड रॉक और ओशन, बहुत ही फेमस है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस हार्ड रॉक होटल और कैसीनो के बारे में। ये जो हार्ड रॉक होटल और कैसीनो था, पहले इसका नाम था ताजमहल पैलेस कैसीनो, और वो रन करता था ट्रंप का ऑर्गेनाइजेशन। उनको बहुत सारा लॉस हो गया मिलियंस ऑफ डॉलर का, तो उन्होंने इसको हार्ड रॉक कैफे ग्रुप को बेच दिया। और ये 2016 से यहाँ पे हार्ड रॉक कैसीनो, उन लोगों ने उसका नाम चेंज करके हार्ड रॉक कैफे बना दिया है। पर अगर आप मेरे पीछे देखोगे कितना ब्यूटीफुल सा वो पियर है, जो सर्कल है, आप हम उस पर एक्चुअल राइड जा सकते हैं, बट अभी फिलहाल विंटर है तो वो बंद है। समर में आएंगे तो वो खुला रहेगा और हम उस पर राइड जा सकते हैं। और ये मस्त अटलांटिक ओशन, वाकई यहाँ पे आके आज मज़ा आ गया। अगर ठंड नहीं होता तो और मज़ा आता। तो गाइस, जब आप इस ब्रॉडवॉक पे आते हो, यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग के ऑप्शंस नहीं है कैसीनोस के अलावा, आप यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारा वन डे ट्रिप था। हम कल शाम को आए थे और अभी हम वापस निकल रहे हैं, हमको जाना है बॉस्टन। तो ये व्लॉग अटलांटिक सिटी का आज हम यहीं पे एंड करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मालूम है ना क्या करना है, एक लाइक करना है, एक शेयर करना है, कमेंट करना है, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से जल्दी आपसे मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग जगह या इंटरेस्टिंग कुजीन लेके अमेरिका से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कीप लविंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। Love you all. Take care and stay safe. Right here, chilling with my friends for another year.